हेलो, वेलकम टू एपिसाइन सेंटर। आज हूँ 22 सेप्टेम्बर 2022। आज किसी इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स और से रिलेटेड किसी इनफर्मेसन विषय आम डिस्कसन करवा। प्रतिदिन इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। देखा आज प्रथम क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। एम के इंडिया प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश आकार घोषणा करा जाई छी। यार आंसर होची ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंडिया प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश आकार घोषणा करा जाई छी। तो रिसेंटली यूनियन जलशक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत अंडमान एंड निकोबार को इंडिया प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश आकार घोषणा करछंती। तो यही एकम्प्लिशमेंट सहित अंडमान एवं निकोबार आइलैंड समस्त ग्राम हर घर जल तथा ODF प्लस अर्थात बाह्य मणमुक्त अंचल आकार सर्टिफाइड होती। तो ये अंडमान एंड निकोबार कथा आसला, ता विषय टी देखद। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रो कैपिटल हूँ पोर्ट प्लेयर एवं यार लेफ्टिनेंट गवर्नर होती रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट फीमेल कैमेल राइडिंग स्क्वाड विल बी डिप्लॉयड इन व्हिच स्टेट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रो प्रथम महिला ऑटो बाहिनी स्क्वाड को क्यों राज्य में मुतयन करा जाउछी। यार आंसर होची ऑप्शन बी, राजस्थान एंड गुजरात। तो राजस्थान एवं गुजरात रे बॉर्डर अंचल रे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रो प्रथम महिला ऑटो बाही स्क्वाड को सेठारे डिप्लॉय करा जाउछी। तो यही स्क्वाड टी 1 डिसेम्बर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रो रेजिंग डे स्थापन दिवस रे प्रथम थर पर ही स्क्वाड टी पार्टिसिपेट करिया को जाउछि एवं वर्ल्ड रे एभड़ी एहा एक प्रथम स्क्वाड अटे जो थे महिला माने ऑटो बाही महिला करो एहा प्रथम स्क्वाड अटे। एठार आउ गोटे इनफर्मेसन, जे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होची एकमात्र फोर्स जहाँ आम इंडिया एकमात्र फोर्स जहाँ पाखे कैमेल कंटिजेंट अर्थात ऑटो बाही एक कंटिजेंट रही। तो ये BSF कथा आसला, ता विषय टी देखद। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF रो फाउंडेशन होता 1965 डिसेंबर 1 यार हेडक्वार्टर रही न्यू दिल्ली ठारे एवं यार डायरेक्टर जनरल होती पंकज कुमार सिंह। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन हैज लॉन्च्ड द बिहान .ai प्लान। एमानक मध्यरु केउं एयरलाइन कंपनी बिहान .ai प्लान टी को लॉन्च करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी, एयर इंडिया। सो एयर इंडिया एहाकु एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल एयरलाइन कंपनी आकार रे परिणत करिया पई बिहान .ai नामक एक प्लान टी को लॉन्च करछंती। तो एयर इंडिया कथा आसला, ता विषय टी देखि देबा। यार फाउंडेशन हितला 1932 अक्टोबर 15 रे एज टाटा एयरलाइंस। यार हेडक्वार्टर रही न्यू दिल्ली ठारे, वर्तमान यह टाटा ग्रुप अंडर रे रही। तो यार चेयरपर्सन होचंती वर्तमान नटराजन चंद्रशेखरन एवं CEO एंड MD होचंती कैंपबेल विल्सन। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, वनेसा नकाटे हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वनेसा नकाटे को एमानक मध्यरु केउ ऑर्गेनाइजेशन रो रिसेंटली गुडविल एम्बेसडर आकार निजुक्त करा जाय छी। यार आंसर होची ऑप्शन डी, यूनिसेफ। सो वनेसा नकाते को रिसेंटली यूनिसेफ रो गुडविल एम्बेसडर आकार निजुक्त करा जाय छी। तो वनेसा जणे उगांडा रो जणे 25 वर्ष वयस्का जणे क्लाइमेट एक्टिविस्ट अटंती, परिवेश सुरक्षाविद अटंती। तो तांकु वर्तमान यूनिसेफ रो गुडविल एम्बेसडर आकार निजुक्त करा जाय छी। तो एठी यूनिसेफ कथा आसला, ता विषय टिके देखि देबा। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड रो फाउंडेशन हेतला 1946 डिसेंबर 11 रे। यार हेडक्वार्टर रहिछि USA रो न्यूयॉर्क ठारे एवं यार मुख्य होचंती कैथरीन एम रुजेल। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन,
जोआओ लोरेंको हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। जोआओ लोरेंको क्यों देशर प्रेसिडेंट आकार पुनर्बार निर्वाचित होती। यार आंसर हूँ ऑप्शन ए अंगोला। सो आफ्रिकन कंट्री अंगोलार प्रेसिडेंट आकार पुनर्बार निर्वाचित होती जोआओ लोरेंको। तो जोआओ लोरेंको 2017 अंगोलार प्रेसिडेंट आकार कार्य कर तो अंगोला विषय टी देखेद अंगोलार कैपिटल हूँ लुआंडा। यार करेन्सी हूँ क्वांजा एवं यार प्रेसिडेंट आकार पुनर्बार एवं निर्वाचित हेले जोआओ लोरेंको। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन व्हिच टीम हैज वन द 2022 डुरांट कप टाइटल। एमानक मधुर केउं दल 2022 रो डुरांट कप टाइटल टिकु जितिछंती। यार आंसर होची ऑप्शन सी बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। सो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब बा बेंगलुरु एफसी 2022 रो डुरांट कप टाइटल टिकु जिति जाइछंती। तो बेंगलुरु एफसी कोलकातार सल्ट लेक स्टेडियम ठारे 2022 रो डुरांट कप रो फाइनल मैच रे मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को परास्त करी 2022 रो डुरांट कप टाइटल टी जीती जाइछंती। तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब रो कैप्टेन होउछंती सुनील छेत्री। तो तांकंडरे बेंगलुरु प्रथम थर पई डुरांट कप टाइटल टी को जीति। तो डुरांट कप विषय टी देखिदबा तो डुरांट कप एहा एक एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन अटे। यह इंडिया रे 1888 खेला जाए आसुच्छी। तो प्रथम 1888 यह सिमला रे खेला जाए थिला। तो सेबे ठारु डुरांट कप एपर्यंत वर्तमान खेला जाउछि। तो यहाँ आयोजन करथांती डुरांट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी एवं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो डुरांट फुटबॉल टूर्नामेंट एशियार सर्वपुरातन तथा वर्ल्ड रो तृतीय सर्वपुरातन फुटबॉल टूर्नामेंट अटे। देखिबे यार परवर्ती क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस रिसेंटली कॉल्ड फॉर इम्पोजिंग विंडफॉल टैक्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यूनाइटेड नेशंस रो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस रिसेंटली एमानक मध्यरु केउ क्षेत्र रे विंडफॉल टैक्स को इम्पोज करिया पई लागू करिया पई आह्वान देइछंती। यार आंसर होची ऑप्शन डी फॉसिल फ्यूल। सो फॉसिल फ्यूल जो रहउची तैल पेट्रोलियम तैल रोची ता उपरे विंडफॉल टैक्स को लागू करिया पई यूनाइटेड नेशंस रो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस आह्वान देइछंती। तो एंटोनियो गुटेरेस कहिछंती जे जो डेवलप्ड एवं धनी कंट्री माने अछंती जो माने फॉसिल फ्यूल रो व्यवहार अधिक करछंती से भड़ी कंट्री रो कंपनी मानक उपरे फॉसिल फ्यूल रो प्रॉफिट उपरे विंडफॉल टैक्स को लागू करा जाओ जहाँ क्लाइमेट चेंज जो जो देश माने स्ट्रगल करछंती असुविधा सम्मुखीन होछंती फूड एवं एनर्जी क्राइसिस रो सम्मुखीन होछंती तांकर हेल्प पई एही टैक्स टी को जे भड़ी व्यवहार करा जिवो। तो ये गोटे नुआ टर्म आसला विंडफॉल टैक्स। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपरे लगे एंटोनियो गुटेरेस यह आह्वान देछंती। तो विंडफॉल टैक्स यह विषय टिके आम डिटेल्स देखिदबा जे जो बिजनेस बा इकोनॉमिक सेक्टर रे अधिक प्रॉफिट रही था तो गवर्नमेंट से ही क्षेत्र रे अधिक परिमाण रो टैक्स आदाय करिया पई बेड़े बेड़े लागू करथांती। तो एहा द्वारा जो इनकम रही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य व्यवहार करा जाई पारिबो। तो सेथिपई जोठी अधिक प्रॉफिट रहुची से सेक्टर रे बेड़े बेड़े गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स को इम्प्लीमेंट करथांती। तो वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट क्रूड ऑयल उपरे मध्य पेट्रोलियम ऑयल उपरे मध्य विंडफॉल टैक्स को लागू करछंती। तो एंटोनियो गुटेरेस रिसेंटली कहिछंती जे जो सबु धनी कंट्री रहिछंती तांकर फॉसिल फ्यूल जो ऑयल कंपनी माने रहिछंती तांको क्षेत्र रे विंडफॉल टैक्स को इम्प्लीमेंट करा जाउ जहाद्वारा सेथिरु जो टैक्स टी जनरेट हेबो ताहा जो कंट्री माने क्लाइमेट चेंज जो असुविधार सम्मुखीन होती तांकु साहाज्य करा जाय पारिबो। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम तेलंगानास न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स आफ्टर होम अमंग दि फॉलोइंग। तेलंगाना गवर्नमेंट यार सचिवालय को नूतन सचिवालय बिल्डिंग को कहा एमानक मध्यरु कहा नाम अनुसार नामित करिया पई घोषणा डिसाइड करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर।
तेलंगाना सरकार यार नूतन सचिवालय भवन सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स को डॉक्टर बी आर अंबेडकर नाम अनुसार नामित करने डिसीजन नहीं तेलंगाना विषय टी देखिद तेलंगानार कैपिटल होची हैदराबाद यार चीफ मिनिस्टर होचंती के चंद्रशेखर राव एवं गवर्नर होचंती तमिलिसाई सौंदरराजन। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन प्रणय मंडल हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी एंड सीईओ ऑफ व्हिच बैंक। प्रणय मंडल को रिसेंटली क्यों बैंक रो एमडी एंड सीईओ आकार नियुक्त करा जाय छी यार आंसर होची ऑप्शन ए सीएसबी बैंक। सो रिसेंटली प्रणय मंडल को सीएसबी बैंक रो एमडी एंड सीईओ आकार नियुक्त करा जाय छी। प्रणय मंडल एहा पूर्वरु सीएसबी बैंक रो डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर आकार कार्य करथिले। सीएसबी बैंक रे जोग देबा पूर्वरु प्रणय मंडल एक्सिस बैंक रो रिटेल बैंकिंग रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं हेड रहिथिले। तो वर्तमान प्रणय मंडल होती सीएसबी बैंक रो एमडी एंड सीईओ। तो सीएसबी बैंक लिमिटेड जहाँ पूर्वर ना रही था कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड जहाँ को एवं सर्ट केवल सीएसबी बैंक कह जा फाउंडेसन होता 1920 नवेम्बर 26 यार हेडक्वार्टर रही केरल त्रिशूर ठारे। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बिकम द ओनली बैंक इन इंडिया टू बी लिस्टेड बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क ऑन द बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 लिस्ट। एमानक मध्यरु केउ बैंक इंडिया रो एकमात्र बैंक भाबरे 2022 रो बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया लिस्ट रे स्थान पाइछि यार आंसर होछि ऑप्शन डी फेडरल बैंक। सो फेडरल बैंक एकमात्र भारतीय बैंक भाबरे ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा प्रकाश करा जाइथिबा 2022 रो बेस्ट प्लेसेस इन एशिया लिस्ट रे एकमात्र बैंक भाबरे स्थान पाइछि। तो फेडरल बैंक एही लिस्ट रे 63rd पोजीशन रे रहिछि बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 लिस्ट रे फेडरल बैंक 63rd पोजीशन रे रहिछि। तो फेडरल बैंक विषय टिके देखि दबा यार फाउंडेशन हेतला 1931 एप्रिल 23 यार हेडक्वार्टर रहिछि केरल कोचीरो अलुवा ठारे यार एमडी एंड सीईओ हेउछन्ती श्याम श्रीनिवासन। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन हु रिसेंटली लॉन्च्ड ए बुक टाइटल्ड अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। एमानक मध्यरु किए रिसेंटली अंबेडकर एंड मोदी नामक एक बुक टिकु रिसेंटली लॉन्च करछंती यार आंसर होछि ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। तो पूर्वतन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक एक बुकटी को लॉन्च करछंती। तो यही बुकटी को कंपाइल करछंती प्रस्तुत करछंती ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन एथिरे डॉक्टर बी आर अंबेडकर लाइफ एवं वर्क सहित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रिफॉर्म पाई जो सब इनिशिएटिव से विषय यही बुक रे लिखा जाय छी। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड बैम्बू डे क्यों तारीख रे पालन करा जाय थाए यार आंसर होची ऑप्शन बी 18 सेप्टेम्बर। तो प्रतिवर्ष 18 सेप्टेम्बर को वर्ल्ड बैम्बू डे आकार पालन करा जाय थाए। तो बांबू बांश जहाँ विभिन्न क्षेत्र में बहुत यूजफुल प्लांट रोचे तो तार कंजर्वेशन विषय अवेयरनेस सृष्टि करने को यही वर्ल्ड बैम्बू डे पालन करा जाय थाए। 2022 यार थीम रखा जाय छी बांबू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एगुड़िक रहा आज डिस्कसन करोश्चिन्स रनसर्स जदि आज भिडियोटी आपको भल लगी तक लाइक और सेयार करूँ प्रतिदिन एभरी इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज करेन्ट अफेयर PDF आपण मैंने गुगुल ड्राइव और टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे यार लिंक डिस्क्रिप्शन बक्स दी जाएगी। थैंक यू फर व्वाचिंग।